यदि आपकी दाई हथेली पर लगातार खुजली हो रही है तो इसका साफ मतलब है कि आपके हाथ में कोई मोटी रकम लगने वाली है या कर्ज या उधार में दिया रुपया पैसा भी आपको मिल सकता है। यदि आपको सपने में झाड़ू उल्लू गड़ा हाथी नेवला शंख छिपकली सितारा सांप या गुलाब का फूल दिखाई दे तो समझ लीजिए बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। सपने में दिखने वाली ये सभी चीज़ें घर में पैसा आने का संकेत हैं। यदि सुबह उठते ही आपको शंख की मधुर आवाज़ सुनाई दे तो घर में लक्ष्मी आने का संकेत होता है। यदि आप किसी काम से बाहर निकलते हैं और रास्ते में आपको कहीं भी गन्ना दिख जाए तो ये पैसा आने का संकेत होता है। इसके अलावा घर में बाहर यदि आपको कोई कुत्ता मुंह में रोटी या शाकाहारी चीज दबाकर दौड़ता सीखे तो ये आपके लिए अमीर बनने का इशारा होता है। सुबह घर से निकलते हुए यदि आप किसी को कई दिनों तक लगातार झाड़ू लगाते हुए देखें तो समझ लें कि कोई बड़ा विवाद सुलझने वाला है। साथ ही ये आपके लिए बहुत जल्दी अमीर होने का संकेत है। घर में यदि घर में अचानक काली चींटियों का झुंड नजर आए वो खाने के लिए चीज़ों पर टूटना शुरू करते हैं तो समझ लें आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है और घर में पैसा आने का संकेत है। घर में छज्जे या आंगन के पेड़ में चिड़ियों कबूतर या किसी पक्षी ने अगर घोंसला बना लिया है तो ये भी पैसा आने का संकेत है। अगर उसके बाद आपको सुबह उठते ही शंख की मधुर आवाज़ सुनानी दे तो ये भी लक्ष्मी आने का ही संकेत है। यदि आप किसी काम के लिए बाहर जा रहे हो तो रास्ते में आपको गन्ने का रस दिखाई दे जाए और अलावा कोई भी कुत्ता मुंह में रोटी लेके जाता दिख जाए तो ये भी लक्ष्मी आने का संकेत है। अगर आपको घर में एक ही जगह तीन छिपकलियाँ इकट्ठी दिख जाएं तो ये भी घर में लक्ष्मी आने का बहुत ही बड़ा संकेत है। इसलिए हाँ